समराला दे पिंड हैडों विखे उस वेले गुंडागर्दी देखने को मिली जदों एक भट्ठा मालक ने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के सामने बदमाशी की ते बंधुआ मजदूरां नूं रिहा करन दे हुक्मां दी उलंघना करदिआं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के सामने मजदूरां दी कुटमार की गई है। इत्थों तक कि डीसी अते होर अधिकारियों नूं भी अपशब्द बोले गए। ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਸੀਮਾ ਖੰਡੇਲਵਾਲ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਆ ਹੁਆ ਬੱਕੋ? ਵਹਾਂ ਪਰ ਭੱਠੇ ਮੇ ਥੇ ਤੋ ਮਾਲਿਕ ਪੈਸਾ ਉਸਾ ਠੀਕ ਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਾ ਥਾ ਔਰ ਚਾਰ ਹਫਤਾ ਸੇ ਹਮੇ ਬੈਠਾ ਕਰ ਵਹਾਂ ਪਰ ਸਬਜ਼ੀ ਖਿਲਾ ਰਹਾ ਥਾ। ਕੌਨ ਸਾ ਭੱਠਾ ਹੈ? ਆਰ ਬੀ। ਕਹਾਂ ਪੇ ਹੈ ਜੇ? ਸਿੱਡੋ ਕੇ ਪਾਸ। ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆਪ? ਹਮ ਲੋਗ ਉਲਾਟ ਪਰ ਥੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਆਪਕੋ? केस मतलब पैसा उसका ठीक से खर्चा नहीं दे रहा तो हम लोग केस किए और बोलते थे तो वो बोलता था तुम्हारे जमादार को लेकर आओ, इतना पैसा लेकर गया है तो हम कहाँ से लेकर आएंगे। कितना टाइम से पैसा खड़ा है उसके पर? बहुत दिन से। अच्छा, फिर उसको मार दिया। अच्छा। बोला ये जो माता जी पड़े हैं ये कौन है आपके? ये मेरी नंद की सास है। इनको भी चोट लगी है? हाँ, पेट में ऑपरेशन है। ऑपरेशन हुआ था? दो दिन से खाए भी नहीं है हम लोग। अच्छा, अभी फिर क्या हुआ कल जब आए आपके पास तहसीलदार साहब? उनको मारा था तो फिर उन लोगों ने हमें यहाँ पर लेकर आए। वो लेकर आए तहसीलदार साहब लेकर आए? क्या कहना चाहते हो? हमें घर जाना है। घर जाना है आपने? हाँ। आपका घर वाला कहाँ पे? वो भी दो दिन से नहीं खाए है। क्या कहना चाहते हो? मेरे बच्चे लोग दो दिन से खाए नहीं है, वो लोग पैसा नहीं देता तो बांध कर कैद कर कर रखा था हमें वहाँ पर। बांध कर रखा था? हाँ, कैमरा लगाया हुआ था वहाँ पर। कुछ बोलते थे हम आपके बाप को नौकर थोड़ी है बोलता था। हमें घर जाना है बस। क्या नाम है? शिव कुमार। शिव कुमार, कौन से भट्टे पे काम कर रहे हो? आरपी पे। कितने टाइम से? आप शुरू से आए हैं बाबूजी, दो ढाई महीने से। अच्छा, क्या हुआ क्या कल वहाँ पे? वहाँ कल ही परसों हुआ था। क्या हुआ था? थोड़ा खर्चा पानी के लिए दुख दे रहा था, बीमार थे इसके लिए नहीं मिला पैसा, इसीलिए ना रिपोर्ट किए थे घर तरफ से, तो उधर से आया था और कौन बाबू और आके हमको निकाल के लाया था। कल फिर हुआ क्या, परसों वहाँ पे लड़ाई हुई कुछ? लड़ाई तो यदि इसी को तो बाबूजी ऐसे रिपोर्ट करे बोल के ना इसको मार दिया। क्या कहना क्या चाहते हो? अब घर जाना चाहते हैं बाबूजी, इतना इतना हो गया तो। कितना पैसा है उनकी तरफ आपका? हमारा भी हिसाब बात नहीं हुआ है। आपका ठेकेदार क्या बोल रहा है? अब देखो क्या बोलता है, पता चलेगा उसी को। मार क्यों रहा था, पीट क्यों रहा था आपको? मारपीट क्यों कर रहा था? हम लोग किसी से नहीं, मालिक का लगा। हाँ, वही तो केस कर दिया बोल के उसको गुस्सा हो गया। अच्छा, इसीलिए तो कितना दिन बचा था, दो चार हफ्ता बचा था, पूरा काम कर लिए थे हम लोग। कितना परिवार है वहाँ पे? वहाँ पे अभी अब तीन आ गए हैं मान लो, अभी छह और बचे हैं, आठ लेबर हैं, आठ इन लोग दो है, इसीलिए बता रहा हूँ। समराला दे नायब तहसीलदार हरमिंदर सिंह चीमा ने दस्सिया कि लुधियाणा दे डीसी नूं शिकायत मिली सी कि हैडों दे आर के पट्ठे दे उपर मजदूरां नूं बंधक बना के रख्या होया ते जदों उन्हां नूं रिहा करन गए तां साडे नाल बदतमीजी कीती। मेरी हयात होटल विच सीएम साहब दी जिथे ठहराउ सीगा उत्थे 8 बजे तक ड्यूटी सी, सवेरे 8 बजे तों उत्थे डीसी मैडम ने साडे एसडीएम साहब नूं फोन कीता ते एस डी एम साहब वालों फोन मैनू आया कि मेरी 11-12 बजे जो सी एम साहब उतों फिर चले गए, उस तो बाद मैं टाइम कट के हेडों भट्ठे से उसे रमेश खुल्लर नाम का कोई भट्ठा मालिक का भट्ठा सी भट्ठे से मैं लेबर इंस्पैक्टर नाल लेके पहुंचा। कल असं एम पी की आमद होने करके, एम पी साहब की आमद होने करके ना मैं पुलिस मदद नहीं मिली है, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है सर। मैं अपने आप ही चले गया, मां भी चलो कोई गल नहीं, माड़ा मोटा बंधुआ मजदूरा रौला भी मैं सैट कराया ना, भी मैं आप उतनी जरूरत नहीं होनी, मैं चलो मैं उत्थे जाके जब बैठे भट्ठे मालक को गया रमेश कुलर जी बैठे थे, तो हूँ मेरे नाल राम सिंह राणा इंस्पैक्टर लेबर इंस्पैक्टर
मैं कहा जाके खुलर जी को, मैं खुलर जी ये तुम इन्हों का जो अपने पत्थर से हवाला हल कर लिया करो भैया का जो लेबर का, उस तो बाद वो मेरे मगर पै गया। क्या तुम कि बड़ी गल कह दी, क्या कोई हाई कोर्ट की शिकायत आए? क्या डीसी मैडम वालों कंप्लेट आई है? डीसी मैडम तो तुम लोग साढ़े टैक्स की तनखा लेने भी, मैं बहुत डीसी देखे ने, बहुत स्टेट अफसर देखे ने, मैं कोई परवाह नहीं चलती। मैं हस पिया, मैं हस के गया, मैं तुम थोड़ा जहा उच्चा बोल गए, ऐ नहीं मैं बोली जाऊँगा, तुम जो मसला अपने आप कर देने सॉर्ट आउट कर लो, तुम छोड़ो यार इन्हें आप लड़ नहीं आया थोड़े ना, चलो जो ना हटे वो मेरे मगर पै गया। चलो मैं वो दफ्तर उठ के अभी बहर आ गए, असं बहर आ के बयानबाजी कर लग गए। असं आप उन्होंने मुंशी ने कहा भी तुम पहले पटियाला ने बयान लेबर के बयान लिखाए, जब बयानबाजी कर लगे उस तो बाद उन्हें की किया लेबर इंस्पैक्टर के हाथ पिछों कागज खोले तो मैं फड़न आया, तो मैं अपने आप को बचा लिया पिछे हट गया। मैं ये शख्स कौन सी जी? रमेश चंद खुलर पठा माल, ठीक है जी। उस तो बाद साढ़े सामने लेबर वाले कुटन लग गया, मैं जब कुटन लग गया मेरे सामने लेडी और कई, चलो मैं उन्होंने कहा महा यार तू की कम करना, मैं तो इंसान वाले काम कर दू गए क्यों कर लगे कम गलत काम है। मैं एज ए मैं मजिस्ट्रेट ड्यूटी मजिस्ट्रेट आया थे तू मेरे सामने उठी जाना, वो कहा तेरे वर्गे भी फिर दिने इतने बुला गए, वो बोलिया मैं गलत। फिर मैं गुस्से जाके एडी एन साहब को फोन किया, एडी एन साहब ने डी सी मैडम जो एस एस पी तक सारी गल पहुँची, फिर उसे मेरे पुलिस मुदाद आ गई, पुलिस आ गई एड दस फुट पुलिस आ गई, उन्होंने पर्चा दर्ज करता भी जो भी सी भी करता पर्चा दर्ज सारे दिन उन्होंने जोड़ा कुटिया ज्यादा कुटिया सगा उन्होंने फिर मैं हस्पताल जाके लेबर इंस्पैक्टर ने कहा भी हस्पताल दाखिल करा, 108 एंबूलेंस मंगाई फिर उन्होंने हस्पताल दाखिल कराया रात। तो एक तो ज्यादा सीरीयस वो पहले ही सीरीयस उन्होंने इलाज वास्ते पैसे नहीं दे रहा है। पुलिस ने पट्ठा मालक रमेश कुमार खुलर खिलाफ केस दर्ज करके उसनु गिरफ्तार कर लिया। ये सीगा जी बदुआ मजदूरों का तहसीलदार नैब तहसीलदार साहब नू एक मैसेज मिलिया सीगा भी आर के पट्टे ते बंधु बनाए हुए ने मजदूर ने जेडे वो उत्थे गए सीगे, उत्थे जाके लेबर इंस्पैक्टर नाल जो पहुँचे तो इन्हां दी जेड़ा पट्ठा मालक रमेश कुमार उहदे नाल काफ़ी तू तू मैं मैं होगी हथुपाई होगी, जिस ते इन्हां ने उन्हां दे खिलाफ मुकदमा जेड़ा हैगा दर्ज करवा दिता 453 इन्हों का कोई पैसे का आपस में ही सीगा जी लेबर पेमेंट दी कोई लेबर की पेमेंट वो संबंध में रौला सी। हस्पताल के दाखिल मरीजों बारे डॉक्टर ने की जानकारी दी है आओ तुहानू वो भी सुना देंदे हाँ। साढ़े को असॉल्ट केस आया टिकवेश्वर नाम का पेशेंट है 25 साल उम्र है जी, हिस्ट्री ये है कि किसी भट्ठे से रहते उत्तर काम कर रहे थे, उन्होंने तो सू दस कि उत्तर उन्होंने कुटमार की गई है, कुटमार मुक्के लत्त पेट से मारिया तो वो उ मदर ना रहता स मदर दी पी जी आई तो शांति पाई है, उतों 7 तरीक न मदर उत्थे दी एडमिट हुई सी, 14 तरीक नूं उतों छुट्टी मिली है, उहदा पेट की मेजर सर्जरी हुई है लैपरोटमी, उहदी कोई पेट की नार फट गई सी और पी जी आई वाले ने उहदे विच कुछ भी इदां दा नहीं दस्सिया हैगा कि किसी कुटमार करके तां होया। वो माता भी कह रही है कि उस 14 तरीक तो छुट्टी लैके अपने बेटे नाल ही इत्थे ही रह रही सी ते उहदे नाल भी इदां इन्हां ने कुटमार की। जिहड़ा बेटा उहदी उम्र कितनी है जी? 25 साल उम्र है। कोई मेजर इंजरी हुई है? हजे कोई मेजर इंजरीज नहीं है, एक्सरे वगैरह कराया, ओपिनियन ही अवेटेड है। देखा जावे तो लोगों की गुंडागर्दी इस कदर बढ़ चुकी है कि हुण उन्हां नूं किसे दा खौफ नहीं रहा, अफसरां नाल भी उन्हां दे वल्लों बदतमीजी की जा रही है। हकीकत टीवी पंजाबी लई खन्ना तो रविंदर ढिल्लों की रिपोर्ट।